वेलकम टू पर्की मेक्स हिंदी और ये है बहुत दिनों बाद एक व्लॉग वीडियो। तो आप लोग बोल रहे थे, बहुत लोगों के मुझे कमेंट्स आए थे यूट्यूब पे कि मेघा दी व्लॉग वीडियो बनाए हुए बहुत दिन हो गए। एंड येस आई अग्री, व्लॉग वीडियो बनाए हुए बहुत दिन हो गए, तो मैंने सोचा चलिए आज एक क्विक डेली व्लॉग बनाया जाए। तो गाइस बात ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी फेस्टिव वीडियोज़ में। जैसा कि आपने देखा पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारे फेस्टिव वीडियोज़ लेके आई आप लोगों के लिए, करवा चौथ, दुर्गा पूजा एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स, फैशन लुक बुक, शॉपिंग हॉल्स, अमेजोन फ्लिपकार्ट रिव्यूज़, इतने सारे। सो मैं बहुत बिजी थी उनको एडिट करने में, अपलोड करने में। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आप लोगों को सारे वीडियोज़ इतने पसंद आ रहे हैं। तो बस मैंने सोचा यार, लेकिन बहुत टाइम हो गया, अब डेफिनेटली एक वन ऑन वन चिट चैट वीडियोज़ बनाना चाहिए। बिकॉज चिटचैट वीडियो में यार ये पर्सनल वाली बातें उन वाले वीडियोस में नहीं हो पाती है, तो ऐसे वाले वीडियो में इंटरेक्ट करने में बहुत मजा आता है। तो बस आज का वीडियो इसी बारे में है। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं ये बीबा के 2 बिग पैकेट। सो मैं कर रही हूँ एक फेस्टिव वीडियो विद बीबा एंड जल्दी आने वाला है वो चैनल पे। सो दिवाली लुक्स के लिए मैं कर रही हूँ कोलैबोरेट विद बीबा। ये वीडियो जो है यूट्यूब पे नहीं आएगा, इट्स फॉर इंस्टाग्राम। तो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स। एंड आई एम सो हैप्पी यार, इस साल मैंने उन सारे ब्रांड्स के साथ काम किया जिनके मैं कपड़े हमेशा खरीदती थी, जैसे कि सभ्यता, ऑरेलिया, बीबा। एंड मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं इन सारे ब्रांड्स के साथ काम करूँगी। एंड आई एम सो हैप्पी कि उन्हें मेरा काम इतना पसंद आया, दैट दे आर कोलैबोरेटिंग विद मी फॉर द फेस्टिव वीडियोज। सो ये आप सबका प्यार है, भगवान की दुआएं हैं। तो बस यार इतना हार्ड वर्क करने के बाद इट फील सो ग्रेट। एंड आई थिंक जिंदगी में मेहनत करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता। सो सपने जरूर देखिए। एंड मैं आपको भी बोलूंगी कि अपने सपनों पर यकीन रखिए एंड उनके लिए मेहनत करिए, एंड एक दिन आपके ड्रीम्स जरूर ट्रू होंगे। एंड फल की चिंता मत कीजिए, बस मेहनत की करते जाइए, तो बस एक दिन आपको बहुत कुछ मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव एंड टू बी हार्ड वर्किंग। सो बस आज का प्लान ये है कि मैं जल्दी से तैयार होंगी एंड देन वी विल शूट। आज 3-4 वीडियोज हम शूट करेंगे, 1 फॉर बीबा एंड अदर्स फॉर माई चैनल। तो वो सब हम शूट करेंगे एंड देन आई एम श्योर कमिंग अप आर ब्यूटिफुल वीडियोज आपको पसंद आएंगे। ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि मैं एक अपना ये स्टूडियो टूअर वाला वीडियो भी शूट करूँ, बिकॉज आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एंड आई फील यार इतना कुछ बहुत ऐसा नहीं है, अनएक्सपेक्टेड टाइप का, बहुत ही सिंपल है मेरा स्टूडियो, बट आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर एक स्टूडियो टूअर शूट करूँगी। तो मैं वो भी सोच रही हूँ कि वो भी हम शूट करें। तो आज का प्रोग्राम फिलहाल ये है कि जल्दी से हम तैयार होंगे एंड देन 2-4 वीडियोस शूट करेंगे। ऑल्सो मैं अभी को कब से बोल रही हूँ कि यार दिवाली मेला कोई देख के आते हैं, बिकॉज दिवाली बस आने वाली है एंड बहुत सारे मेलास लगे हैं हमारे घर के आसपास। एंड मुझे दिवाली मेला घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं छोटी थी तभी मैं पापा के साथ बहुत सारे मेलों में जाती थी, तो मुझे वहाँ पे जो मिट्टी की चीज़ें होती हैं एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होते हैं रंग बिरंगे, मुझे बहुत पसंद है भैया रंग बिरंगे, क्योंकि मैं रंगीलो राजस्थान से हूँ, तो मुझे रंग बिरंगी चीज़ें बहुत पसंद है। और इसलिए मैं दिल्ली हाट भागती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत होमली फीलिंग आती है। एंड जैसे कि मैं बापू बाजार में जब जाती हूँ तो मुझे वो रंग बिरंगा सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगता है। एंड देन चोखी ढाणी जब मैं जाती हूँ जयपुर में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आई थिंक एक आध मेले में तो मैं अभी को जरूर ले जाऊंगी एंड ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, उन्हें भी काफ़ी पसंद है, बस टाइम का थोड़ा पंगा हो जाता है बिकॉज ही गेट्स टाइम ओनली इन द वीकेंड, उनको सिर्फ वीकेंड में टाइम मिलता है। बट लेट्स सी, अगर मैं दिवाली मेला गई तो मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। ऑल्सो गाइस मुझे बताइए कि दिवाली की क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं, सफाइयाँ वफाइयाँ हो गई हैं आपकी? बस हमारा थोड़ा बहुत डेली चल रहा है एंड सजावट का सामान अभी नहीं लाए हैं, एक दो दिन में आए थे लेके आएंगे दिए वगैरह एंड कुछ स्पेशल आए हो तो लटकन वगैरह वो लेके आएंगे। तो लेट मी नो आपकी सफाइयां कैसी चल रही है और क्या क्या सजावट का सामान लाने की तैयारी हो रही है। हम हमेशा जो लाते हैं वो है वो शुभ लाभ चिपकाने वाला एंड लक्ष्मी जी के पैर, मिट्टी के दिए एंड कुछ अच्छा डेकोरेशन मेन डोर पे लगाने का, तो वो सब तो मैंडेटरी है, होता ही है। एंड कुछ न्यू बेडशीट्स अगर जरूरत हो तो, बट आई डोंट थिंक इस बार मैं बेडशीट्स लूंगी, बहुत सारी बेडशीट्स ऑलरेडी हो गई हैं। तो ये सब सामान लेने की तैयारी है, लेट्स सी। और दिवाली मेले में कुछ अच्छा मिलता है तो वहाँ से कुछ घर के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। सो कुछ ऐसी हालत होती है जब शूट करते हैं ये सब, दिस इज़ ऑल मेकअप स्टफ एंड दिस इज़ ऑल कपड़े बहुत सारे निकालने होते हैं।
सो मैंने अपना फटा वटा लगा लिया है एंड बस अब मैं मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ. मेकअप में मुझे अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर लगता है, बट ज़्यादा टाइम लगता है बाल स्ट्रेट करने में. येस, लेकिन मेरे बाल बहुत वेवी हैं तो मुझे हमेशा हमेशा शूटिंग से पहले बाल जो हैं स्ट्रेट करने पड़ते हैं एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा टायरिंग टास्क लगता है. बट क्या करें, वीडियो में अच्छा यू नो लुकबुक वीडियोज़ के लिए तो स्पेशली अच्छा अच्छा स्ट्रेट करना पड़ता है. तो शूटिंग से पहले मुझे ब्लॉग्स इसीलिए अच्छे लगते हैं बिकॉज ब्लॉग्स में यार कुछ नहीं करना पड़ता, नो मेकअप नथिंग, जैसे हो वैसे रहो. वीडियोस के लिए जो फैशन वाले वीडियोस होते हैं उनके लिए यार तैयार होना पड़ता है एंड कभी कभी ना यार आलस आ जाता है मुझे. तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेकअप फैनेटिक हूँ या ऐसा कुछ नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं विदाउट मेकअप रहना पसंद करती हूँ और इसलिए जब कभी कभी शूटिंग के लिए तैयार होना पड़ता है तो थोड़ा सा आलस आ जाता है, बट नॉनदलेस इट्स फाइन, पार्ट ऑफ द जॉब. बट हर जॉब में आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है. सो लेट मी नो अगर आप कुछ स्पेसिफिक मेकअप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैं श्योरली आप लोगों के लिए बनाऊंगी. कोई भी लुक अगर आपको किसी सीरियल का या किसी शो का, किसी इवेंट का, किसी एक्ट्रेस का पसंद आ रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में. मैं ट्राई करूँगी वो लुक रिक्रिएट करने की बिकॉज आप में से बहुत लोग मेकअप वीडियोज़ की डिमांड कर रहे थे. तो मैंने करवा चौथ का डाला था एंड मैंने दुर्गा पूजा का डाला था, तो मैं और भी प्लान कर रही हूँ तो आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं. तो आप लोग मुझे सजेशंस दीजिए तो मैं श्योरली बनाऊंगी. सो मेकअप करते करते बात करते हैं कुछ चीज़ों की. तो मुझे आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा आई थिंक वो लास्ट पर्सनल वाले वीडियो में कि मेघा दी कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएं. तो बेसिकली मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस आता है अपने आप को प्यार करने से. यू नो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि मतलब जो जैसे आपको कोई कुछ भी बोले कि आप बिल्कुल बेकार दिखते हो या आप बिल्कुल भी बेकार अच्छा काम नहीं करते एंड यू आर यूजलेस ये वो, बट आपको कोई फ़र्क ना पड़े उनकी बातों से एंड यू नो योर वर्थ. आपको पता हो कि आपकी क्या वर्थ है, आप कितने अच्छे इंसान हो एंड आपको अपने लुक से कोई मतलब ना हो, अपने आप से प्यार करें. भगवान ने जैसा भी दिया आप उससे प्यार कीजिए. तो आप हर काम इसको मेरे हिसाब से ये कॉन्फिडेंस होता है कि आपको कोई शैटर ना कर पाए. तो ये चीज़ आती है अपने आपको प्यार करने से. आप किसी की बातों में ना आए. कभी कभी रिलेटिव स्पेशली सोसाइटी आंटीज़ एंड ऑल दोज पीपल वो आपको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं. स्पेशली एट वर्क ऑल्सो बहुत लोग होते हैं जो ट्राई करते हैं यू नो कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ कर दें बिकॉज कि आप अच्छे नहीं हैं अपने काम में. या घर पे भी कई बार बोल देते हैं कि आप कुछ नहीं करते. तो उनकी बातों से आप अफेक्ट ना हो, अपने आप को प्यार करें. एंड हमेशा मुझे लगता है लाइफ में एक पर्पज़ ज़रूर होना चाहिए. अगर लाइफ में कुछ पर्पज़ नहीं होता ना तो हमें यू नो एक ड्राइविंग फोर्स नहीं मिलता कि हम क्या करें आगे क्या करें, तो तब हम बोर हो जाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में एक पर्पज़ ज़रूर रखिए, चाहे वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाने लिखाने का पर्पज़ हो या फिर आपका अपना कोई पर्सनल ड्रीम हो, जैसे कि अपने फैमिली के साथ अच्छे से प्यार से रहने के अलावा एंड अच्छे से यू नो खुशी से ज़िंदगी बिताने के अलावा. मेरा ये सबसे बड़ा ड्रीम है कि मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ग्रो करे एंड मैं इसके लिए बहुत मेहनत करती हूँ एंड बहुत ही जल्दी हम हिंदी चैनल पे 1 मिलियन क्रॉस करने वाले हैं. तो ये सब चीज़ें माइलस्टोन्स मुझे बहुत खुशी देता है क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है एंड यही ड्राइविंग फोर्स होता है. तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट कुछ कुछ एम्स रखिए लाइफ में, चाहे वो करियर वाइज हो चाहे वो फैमिली वाइज हो. अपने लिए यू नो कुछ कुछ आप एक एम्स छोटे छोटे बना देंगे तो उससे क्या लाइफ में ड्राइविंग फोर्स रहता है कि यस अब ये अचीव हो गया, अब किसके लिए मेहनत करें, नेक्स्ट चीज़. तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ पर्पज़ ज़रूर रखिए. अदरवाइज यू नो हम भी वैसे ही बन जाएंगे, हम भी बस लोगों की बिचिंग में लग जाएंगे बिकॉज हमारे पास अपना कोई पर्पज़ नहीं है, कुछ काम धाम नहीं है एंड फिर तो बस बहुत ही नेगेटिविटी एंड यूजलेस वाली बातें जाती है. तो बस यही की है कि अपने आप को प्यार करें एंड कॉन्स्टेंटली अपने सपनों पर काम करें, अपनी फैमिली पर ध्यान दें एंड पॉजिटिविटी में रहें. तो आप कभी भी नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे, किसी की बुराइयाँ नहीं करेंगे, किसी की ज़िंदगी में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे. एंड मैं ऐसे इंसान हूँ यार, मुझे ना किसी कि उसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता कि यार वो उसने क्या पहना और क्या किया और क्या नहीं किया है. एंड मेरी मेमोरी सिर्फ अपने काम को लेकर है एंड इन जनरल मेरी मेमोरी ना इतनी ज़्यादा वीक है, मुझे याद ही नहीं रहता कि किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है. एंड मेरे अपने लोग मुझसे कई बार गुस्सा भी हो जाते हैं कि यार तूने कॉल भी नहीं किया, बट एक्चुअली क्या यार मेरा ध्यान ही नहीं रहता इन चीज़ों पर. मेरा ध्यान हमेशा रहता है कि मैं
कैसे अपनी लाइफ और पॉजिटिव बनाऊँ, मैं कैसे और चीज़ें करूँ जिससे मुझे और अच्छा सा लगे, खुशी लगे। बिकॉज़ खुशी सिर्फ पैसे से नहीं आती, खुशी होती है जब आप अंदर से खुश होते हैं, यू नो, एक अलग सी फीलिंग होती है। तो मुझे वो पॉजिटिविटी से आती है, अपने सपनों पर काम करने से आती है, मेहनत करने से आती है। तो बस यही मेरा तो यही सुझाव रखेगा कि आप ज़िंदगी में चाहे आप काम कर रहे हैं चाहे आप नहीं काम कर रहे हैं, बट आप कुछ पर्पस रखिए, कुछ मेहनत कीजिए एंड एक डायरेक्शन में बढ़िए, तो आपको अच्छा लगेगा। मेरी तरफ से तो आपको यही सजेशन होगी। आई नो थोड़ा ज़्यादा भारी भरकम बात हो गई, बट मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप डेफिनेटली लाइफ में ग्रो करेंगे एंड आपको खुशी होगी। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड क्या होता है? या तो आप मतलब आपके जो ड्रीम्स हों, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि आप अपने लिए एक बहुत अच्छी गाड़ी लें, या फिर आपका एक अपना घर हो, या फिर आपके बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से निकलें, तो ये सब विजन आप मैन्युअली सुबह बैठिए, थोड़ी सी ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए एंड अपने अंदर एक खुशी फील कीजिए। उसके बाद इमेजिन कीजिए कि जैसे कि आप घर का आप अगर सपना है तो आप इमेजिन कीजिए आप बहुत ही अच्छे एक सुंदर घर में हैं, जैसा कि आप घर चाहते हैं, उसके कलर्स इमेजिन कीजिए। ओहो, उसके कलर्स इमेजिन कीजिए, उस घर में क्या है, किचन में किस तरह का फर्नीचर है, घर पे इंडोर प्लांट्स है, जैसा भी आपका यू नो सपना है आप उसको विजुअलाइज कीजिए कि आप वहाँ खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, आपके बच्चे खेल रहे हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, आप सब हंस रहे हैं, अंदर से फील कीजिए, अंदर से खुशी आनी चाहिए। तो ऐसा आप डेली जो है विजुअलाइज कीजिए उसको आँखें बंद करके, एंड आप अपने एक मूड बोर्ड भी बना सकते हैं जिसमें आप पिक्चर्स लगाइए कि ऐसा घर जो आपको ड्रीम हाउस से करता है उसको लगाइए एंड सुबह उसको डेली उठ के देखिए। एंड ये विजन बोर्ड आप ऐसी जगह रखिए जहाँ सब लोग ना देखें, बिकॉज यू नो हर कोई आपके सपने नहीं समझता है एंड फिर वो आपको डिस्करेज करेंगे। तो ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि सबको मत दिखाइए अपना विजन बोर्ड, ऐसी जगह रखिए जहाँ यू नो सिर्फ आप और आपके परिवार वाले उसे देखें। और अगर आपको लगता है कि इट्स टू पर्सनल जैसे कि मुझे लगता है, तो आप विजुलाइज कीजिए, खाली विजन बोर्ड मत बनाइए। मैं विजन बोर्ड नहीं बनाती हूँ, मैंने ट्राई किया था बट मुझे नॉर्मली वैसे ही विजुलाइज करना ज़्यादा पसंद है। तो यकीन मानिए मैंने बहुत सारी चीज़ें विजुलाइज की थी जो एक्चुअली ट्रू हुई, जैसे कि मेरा अपना घर जिसमें हमने लास्ट ईयर मूव इन किया, एंड देन मेरा काम, एंड देन टू वर्क विद रियली गुड इंडियन ब्रांड्स, तो वो भी अब पूरा हो रहा है धीरे धीरे। तो बहुत सारे सपने हैं जो विजुलाइज़ करके पूरे हुए हैं। एंड खाली ऐसा नहीं है कि आप विजुलाइज़ कीजिए, उस पर काम भी कीजिए, मेहनत कीजिए। जैसे मेरे सपना था यूट्यूब के लिए, तो मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की, घर के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की, मेहनत भी करनी है बट डेली एक अच्छी भावना के साथ उसको इमेजिन भी करिए। तो ये सब चीज़ें बहुत पॉजिटिविटी लाती हैं लाइफ में। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं हाउ टू विजुलाइज़, विजन बोर्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं, द सीक्रेट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो अच्छी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगाइए, उनको देखिए कि क्या क्या होती हैं, उनको सीखिए। तो धीरे धीरे मैंने भी लाइफ में सीखा है, ऐसा नहीं कि सब कुछ मुझे पता था। नॉलेज जो है वो ज़िंदगी भर जो है हमें बढ़ानी चाहिए अपनी, क्योंकि हमें बहुत कम पता होता है एंड दुनिया में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो इसीलिए आप अच्छी चीज़ें पढ़िए और जानिए, और मुझे भी जितनी पता चलती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह जो है लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं कॉन्स्टेंटली ऐसी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ कि कैसे और अच्छा हो और कैसे जो है लाइफ पॉजिटिव बने। तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी जो भी मुझे पता है। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा, मैं अलग से सेशन भी कर सकती हूँ इन चीज़ों के लिए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बट डेफिनेटली इन ब्लॉग्स के थ्रू मैं आपको बताती रहूँगी कि मैं लाइफ में क्या क्या करती हूँ और मैंने अभी तक क्या क्या सीखा है। आई होप आप लोग कुछ ज़्यादा भारी बातें ना हो रही हो और बोर ना हो रहे हो। Hey guys, so ready हो गई हूँ मैं, और मैंने पहन लिया ये कुर्ती एंड टीका, बिकॉज दिस इज फेस्टिव लुक्स, दिवाली लुक्स। तो आने वाला है जल्दी ये इंस्टाग्राम पे, हो सकता है आ भी गया हो। तो दिस इज अ लुक, और मैंने कर्ल्स कर लिए हैं क्योंकि स्ट्रेट से थोड़ा सा बोर हो गई थी एंड कर्ल्स से एक नया सा लुक आया था। तो लेट मी नो कैसे लग रहे हैं मुझ पर कर्ल्स हेयर स्टाइल, एंड बस अब जल्दी से विल स्टार्ट द शूटिंग। सो गाइस हमारा फर्स्ट शॉट हो गया है एंड दिस इज माई ब्यूटिफुल बैकग्राउंड फॉर द वीडियो, और टेक वन हो गया है एंड नेक्स्ट मैं चेंज करूँगी दूसरा आउटफिट। तो इस तरह शूटिंग करते हैं हम, काफ़ी चीज़ें जाती है शूटिंग करने के पीछे, बहुत मेहनत होती है एंड दिस इज ऑल द लुक्स हम
डेली हर वीडियो में ये जो सेटअप है चेंज करते हैं, कभी आपको शीशा दिखेगा, कभी ये दिखेगा, तो मैं अपने स्टूडियो टूर में दिखाऊंगी कि हम कैसे ऐसे चीज़ें शिफ्ट करके नया नया सेट्स बनाते हैं. तो लेट्स मूव टू टेक टू क्विकली. सो ये हमारा आज का सेटअप, हमने यहाँ से शीशा हटा दिया है. दिस इज द क्लोथिंग रैक. ये ट्री हमेशा रहता है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये एक रैक रहता है. एंड बस ये था आज का स्टूडियो सेटअप. मैंने सोचा क्विकली आपको दिखा दूँ, आपके साथ शेयर करूँ. Hey guys, so this is take 2 और मैंने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर लिया. आपको दिख रहा हो तो मैंने यहाँ दो फ्लावर्स लगा लिए हैं. मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद आ रहे हैं इस फेस्टिव सीजन में और मैं ये लेके आई हूँ. मैं बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज लेके आई हूँ. मैं आई थिंक एक अलग वीडियो बनाना चाहूँगी बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं फेस्टिव सीजन में. मैंने करवा चौथ पर भी लगाए थे. सो टेक 2 हमारा हो गया है. बस टेक 3 रैप करके आज का शूटिंग स्केड्यूल हम रैप करेंगे. सो गाइस, एंड हो गई है हमारी शूटिंग और हमने काफ़ी सारे वीडियोस शूट कर लिए. आई थिंक 3-4 हो गए आज एंड मैं बुरी तरह थक गई हूँ. अब सुबह हमने शुरू किया था 12:30 से और अब 7 बज रहे हैं. तो ऐसे हो जाते हैं कभी कभी जब हम लगातार शूट करते हैं. अब बस अब मैं ये मेकअप जो पोता है सारा उतारूंगी बिकॉज पोत तो लेते हैं लेकिन फिर उतारने में बड़ा आलस आता है, बड़ा उतारना तो पड़ता है. तो बस मैं रिमूव करूंगी मेकअप एंड देन आई थिंक आज का व्लॉग एंड करते हैं. काफ़ी लंबा भी हो गया है बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी ये इस टाइप का डेली व्लॉग, स्पेशली ऑन शूट डे क्या चलता है. ऑल्सो फेस्टिव सीजन चल रहा है, मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए लेके आऊँ वो वाला दिवाली मेला वाला व्लॉग. हमें आज जाना था बट आज थोड़ा टाइम स्ट्रेच हो गया है तो आई थिंक हम कल या परसों जाएंगे. हमारे घर के पास है दिवाली मेला और शाम को भी आई थिंक होता ही होगा. तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी, नहीं तो किसी और व्लॉग में मिल लेंगे. इसमें क्या है, तो आज हमने कुछ पर्सनल बातें की एंड लेट मी नो अगर इस तरह के पॉजिटिव बातें आप और जानना चाहते हैं, हम और ऐसी बातें कर सकते हैं. ऑल्सो अगर आप पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे लिख सकते हैं. वी कैन डिस्कस दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट पर्सनल चिटचैट व्लॉग. तो बस इस पर्सनल व्लॉग के लिए इतना ही आज के लिए. आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया. ऑल्सो रेगुलर वीडियोज तो आ ही रहे हैं एवरी ट्यूजडे एंड सैटरडे फेस्टिव वीडियोज, बट इस तरह का चिटचैटी वीडियोज लाती रहूँगी मैं बीच बीच में जब भी टाइम मिलेगा. तो बस आज के लिए इतना ही. मिलती हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में. बाय बाय.